ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब भगवान के बच्चे भरपूर होते जा रहे हैं। ईश्वरीय प्राप्ति के बाद हमें उनसे सभी खजाने भी मिलते जा रहे हैं। हम अपने को संतुष्ट आत्मा बनाते चलें। संगम युग की हमारी संतुष्टता अनेक आत्माओं को संतुष्ट करेगी और जन्म जन्म भी हम सदा संतुष्ट रहेंगे। सोच लें, जो भगवान को पाकर भी संतुष्ट न हुए, जो उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर भी तृप्त न हुए, जो उसका प्यार पाकर, उसे शक्तियां पाकर भी आनंदित न हुए, भरपूर न हुए, तो वो कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे भरपूर होंगे। स्वयं विचार कर लें, भगवान को पाकर हमें पूर्ण संतुष्ट हो जाना चाहिए। वे हमारे लिए भंडार लेकर आए हैं, अथाह संपदा, तीन युग तक कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ताज और तिलक तख्त हमारे लिए लेकर आए हैं। इन प्राप्तियों को अनुभव करेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कोई भी आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक उसे संपूर्ण ईश्वरीय प्राप्ति न हो जाए, खजानों से मन बुद्धि भरपूर न हो जाए। इसका हमें अभ्यास करना है, परंतु साथ ही साथ हम स्वयं को संतुष्ट आत्मा बनाएं। संसार की इच्छाओं से परे जो कुछ बाबा ने दिया है उसमें संतुष्ट, खाने को दिया है, रहने को दिया है, पहनने को दिया है, उसमें हम तृप्त हो जाएं। साथ में सेवाओं के फील्ड में जो सेवा हमें मिले, मान मिले, कम मिले, कुछ भी हो, हम संतुष्ट रहें। भगवान मिले, उन्होंने हमें अपने कार्य में लगा लिया, हमारे जीवन को स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हम संतुष्ट रहें। लौकिक कार्यों में जो भी लाभ आपको हो, जितनी भी कमाई आपकी होती हो, जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, उस सब में भी संतुष्ट रहना ही बुद्धिमानी है। आइए हम अपने को चेक करें, हमारा मन संसार की तृष्णाओं के पीछे भटक तो नहीं रहा है। आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन इच्छाओं के पीछे ही चलता जा रहा है और हम संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए अपना ये अनमोल समय व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान दें सभी, जो मनुष्य छोटी चीजों की प्राप्ति में अपना ये अनमोल और सुंदर समय व्यतीत कर रहा है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो ज्ञानी भी नहीं है, वो परमात्म प्यार से, उसकी दुआओं से भी दूर चला जाता है। हमें तृप्त आत्मा बनना है। जो आवश्यक चीजें हैं बस वो हमारे पास हैं, हम तृप्त आत्मा बन जाएं। संसार में तो कंपटीशन है, इसके पास इतना धन है, मेरे पास क्यों नहीं। आपके बच्चे भी कह सकते हैं, आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। लेकिन जिनको भगवान मिल गया हो, उन्हें कोई कमी रहती नहीं। थोड़ी बहुत परीक्षाएं जीवन में आती हैं, वो भी हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए इन बातों पर बहुत ज्यादा परवाह करना, परेशान होना उसकी जरूरत नहीं। तो आइए हम सभी स्वयं को व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त करके प्रसन्न चित्त बनाएं। जो आत्मा संतुष्ट होती है वो सभी को बहुत प्रिय लगती है और संतुष्टता के साथ उस महान आत्मा के अंदर बहुत प्रसन्नता भी आ जाती है, रॉयल्टी भी आ जाती है, उसके बोल चाल, उसका व्यवहार भी उसकी संतुष्टता की झलक सबको दिखाते रहते हैं। तो आज हम ये स्वमान रखेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ।
मुझे बाबा से सब कुछ मिल गया, सारा दिन बाबा को शुक्रिया करेंगे, बाबा आपने आकर हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। और महसूस करेंगे सूक्ष्म लोक में बाप दादा ये सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, उनके मस्तक से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस निकलकर मुझ पर पड़ रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।